यूपी के जनपद अमरोहा के नौगावां सादात कस्बे में एसडीएम ने तहसीलदार और थाना प्रभारी के साथ किया कावड़ यात्रा के रूट का निरीक्षण। बता दें कि नौगावां सादात कस्बे में एसडीएम सुधीर कुमार ने तहसीलदार कृष्ण कुमार चौरसिया और थाना प्रभारी संत कुमार के साथ कावड़ यात्रा के रूट का जायजा लिया और बताया कि जिलाधिकारी और एसपी के निर्देशानुसार जिस रूट से कावड़िए गुजरेंगे उस रास्ते पर कोई पैड झुका हुआ है या कोई त्रुटि है या कोई समस्या है तो संबंधित विभाग को लिख कर दो, दिन में उसे दूर कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शराब और मीट की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। जायजा लिया गया, किस संबंध में जायजा लिया गया रूट का? हाँ, जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब के निर्देश पर संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। जिस रास्ते से कांवड़िए गुजरेंगे उस रास्ते पर जो भी त्रुटियाँ हैं या कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उसे दूर कराया जा सके और कहीं कोई पेड़ झुका हुआ है या खंबा तिरछा या तार नीचे आ रखे हैं, इन सब चीज़ों को संबंधित विभाग को लिखकर पत्राचार करके उन सबसे तत्काल 2 दिन के अंदर हम लोग उसे क्लियर कराएंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिगत इस तरह से पैदल मार्च किया जाएगा ताकि कोई भी समस्या उस टाइम में हमारे सामने ना आए। क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, क्या दुकानें बंद रहेंगी? इसमें मीट की दुकानें बंद रहेंगी, शराब की दुकानें बंद रहेंगी, जो अवैध कट कहे जाएंगे इधर उधर खुले हुए उन कटों को बंद कर दिया जाएगा ताकि स्मूथ ट्रैफिक चलता रहे। हैवी ट्रैफिक को हम लोग अपना तरीके से रेगुलेट करेंगे। अगर सड़क पर ज़्यादा भीड़ रहेगी कांवड़ियों की तो हम लोग हैवी ट्रैफिक को अपने तरीके से रेगुलेट करेंगे, उन्हें कहीं रुकवाएंगे, जैसे भीड़ कम होगी उन्हें आगे निकालेंगे। इस सब चीज़ों को देखा जाएगा।